इस बार हमको 10 भी सीट मिलता तो 10 सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामलीला चुनाव जीत करके जातीय गठबंधन को हम लोग बिहार से देते। अभी तो सुन रहे थे दो दिन पहले कि इंडिया के सरकार एनडीए की सरकार बनने जा रही है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। महागठबंधन के लोग दिन में सपना देखते हैं और दिन में तारेगण गिनते हैं। नीतीश कुमार ऐसे महान पुरुष के नाम है, नीतीश कुमार का नाम है विकास पुरुष। अग्निवीर योजना में समीक्षा करने की आवश्यकता है, समीक्षा होगा। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना, अग्निवीर के तहत थोड़ा सा है तो उसमें समीक्षा होगा। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सबसे पहले तो लोक जनशक्ति पार्टी कांटी इकाई कांटी विधानसभा सहित वैशाली के तमाम महान मतदाताओं को हमारी हार्दिक अभिनंदन और वंदन है, उनको प्रणाम है, नमस्कार है, जिसने इतना बड़ा मैंडेट और तीसरका बार लोक जनशक्ति पार्टी को मैग्नेट दिया। और उन महान मतदाताओं को मैं उनको चरण स्पर्श करते हुए आज जनतांत्रिक गठबंधन के और हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी आज तीसरका बार शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, इसलिए हम जनतांत्रिक गठबंधन के तमाम साथियों के हर्ष उल्लास के साथ हम लोग आज खुशी के माहौल में इनकलाब जिंदाबाद का जश्न मना रहे हैं। चिराग पासवान को भी फिर से केंद्रीय मंत्री बनाया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं, कितना खुशी महसूस हो रहा है? देखिए, चिराग पासवान जी हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आपको बता दूं आप प्रकाश बाबू कि लोक जनशक्ति पार्टी का निर्माण हुआ है सब समाज को ले चलने का, सब समाज को अग्रा पिछड़ा दलित महादलित और अल्पसंख्यक व्याधि के सबको पाट करके स्वर्गीय रामविलास पासवान चले हैं और उन्हीं का स्वरूप देखते हैं हम चिराग पासवान को। मुझे विश्वास है कि रामविलास पासवान के जो सुझाए गए उनके माने रास्ते पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चलेंगे और हम क्या नाम है चिराग मंत्रालय मिलेगा। वो मंत्रालय में मंत्रालय कोई छोटा बड़ा नहीं होता है और उसमें काम करने का एक तजुर्बा होता है, इसलिए रामविलास पासवान का सुपुत्र हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और जहाँ जहाँ भी गए हमारे रामविलास पासवान के जो जो मंत्रालय मिला लोहा छोया छुआ रामविलास बाबू तो सोना हुआ, इसलिए मैं उसी विश्वास और उसी विश्वास के साथ चिराग पासवान को मैं हम लोग चाहते सोचते हैं कि ठीक उन्हीं के स्वरूप में चिराग जी जैसे कि जे लोहा छुएंगे तो सोना होगा। चिराग पासवान पे लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, विपक्षी पार्टी बोल रहे थे कि चुनाव 5 सीट जो है मतलब गलती से जीत गए हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, विरोधी को तो माने 2014 में याद होना चाहिए, विरोधी को 2014 में हमको 7 सीट मिला और 7 सीट में ललंदा हमको धोखा से हरा दिया गया और 2014 में हम 6 के 7 सीट मिला था जिसमें हम एक हल्का सा मार्जिन वोट से वहां के प्रशासन के लोगों ने मुझे हरा दिया और हम 6 सीट जीत का आए। 2019 में हमको 6 सीट मिला, 6 के 6 हम चुनाव जीते। इस बार हमको 10 भी सीट मिलता तो 10 सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव जीत करके जातीय गठबंधन को हम लोग बिहार से देते, लेकिन हमको जातीय गठबंधन के द्वारा मात्र 5 सीट मिला जिसके तहत हम 5 के 5 चुनाव जीत करके नरेंद्र मोदी के झोली में दिया। विकास होगा, एकदम खूब विकास हुआ है, विकास होगा, आगे भी नियंत्रण में विकास होगा। अच्छा, इंडिया अलायंस के पार्टी के जो है संस्थापक जो है राहुल गांधी के द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जो है सरकार काफी दिनों तक नहीं चलने वाला है, कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखिए, ये तो कहानी है दिन में तारेगण गिनने के बराबर है और दिन में जो आदमी सपना देखता है वो देखते रहे। आज जो लोग सोचते हैं, अभी तो आप लोग आप मीडिया के लोग हैं, अभी तो सुन रहे थे दो दिन पहले कि इंडिया के सरकार एनडीए की सरकार बनने जा रही है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो यह हो रहा है वह हो रहा है, क्या हुआ? 7:15 पर क्या होने वाला है?
इसलिए ये सब बात ये सब दिन में माने त्रिगण नहीं गिनता है लोग, उसी टाइप के लोग सब महागठबंधन के लोग दिन में सपना देखते हैं और दिन में त्रिगण गिनते हैं। नीतीश कुमार साथ रहेंगे? एकदम रहेंगे। नीतीश कुमार ऐसे महान पुरुष के नाम है, नीतीश कुमार का नाम है विकास पुरुष, और बिहार के आम आवाम को भलाई के लिए नीतीश कुमार आज तक काम किया है और आगे भी भविष्य नीतीश कुमार के साथ हैं, चिराग पासवान के साथ हैं, सम्राट चौधरी के साथ हैं और जीतन राम मांझी के साथ हैं, उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं। अच्छा, कन्हैया कुमार बोल रहे हैं कि नीट एग्जाम हो या कई ऐसे एग्जाम हो रहे हैं जो पूरी तरह से उसका पेपर लीक हो जा रहा है, उसको लेकर अग्निवीर को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि सरकार बनेगा तो इस सब चीज़ों पर जो है समझौता करना होगा। अग्निवीर जो योजना 5 साल को लेकर चलाया जा रहा है उसको लेकर कैसे लिख रहे हैं? देखिए, अग्निवीर के जहाँ तक सवाल है प्रकाश बाबू, अग्निवीर योजना में समीक्षा करने की आवश्यकता है, समीक्षा होगा, उसमें समीक्षा के तहत जो उचित होगा वो कार्रवाई होगा। और रही बात जो कन्हैया बाबू क्या बोल रहे हैं, उनके बातों को हम ज़्यादा तरजीह नहीं देते हैं, वो तो बोलते हैं बहुत लमहर लमहर बात, लेकिन वो होता कहाँ है? वो एक 50 साल 55 साल रहा है जैसे कि जे कांग्रेस की सरकार, कन्हैया जी भी उसी दल में हैं और अभी जो हसीन सपना दिखा रहे हैं लोगों को, उस समय सपना दिखाने में उनको रोके हुए था क्या? उस समय कोई रोके हुए था कन्हैया बाबू को? इसलिए इस सब बात में दान जान प्राण नहीं है। देखिए, तारसंगत बात कीजिएगा चलेगा, देश ऐतिहासिक बनेगा, एकदम बनेगा, एकदम बनेगा। एक बात आई है ना, आप लोगों ने कहा कि अग्निवीर योजना, अग्निवीर के तहत थोड़ा सा है, तो उसमें समीक्षा होगा, जो उचित होगा वो काम होगा। चिराग पासवान जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है और हमें खुशी है कि चिराग पासवान बिहार का वो एक लौता बेटा है जो चिराग नाम चिराग और आने वाले भविष्य में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में हमारे चिराग पासवान जी रहेंगे।